नमस्कार आज दिन भर टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स में शोर मचा रहा कि किस तरह से जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की गई थी बादलों के पीछे छुप कर क्योंकि राडार से बचा जा सकता है बादलों के ज़रिए और उस वक्त क्या हुआ था इसकी जो तफसील है वो पार्लियामेंट पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एक मेम्बर है उन्होंने दी तो उन्होंने बताया नाम है इनका अयाज सादिक और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर है ये नेशनल असम्बली में, में मेंबर है तो उन्होंने बताया कि तब के जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे ठीक है तो उसमें शाह महमूद उसमें जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं जनरल बाजवा वो भी थे तो उन्होंने कहा कि आई रिम्बर शाह शाह महमूद कुरैशी वॉज इन द मीटिंग इन विच इमरान खान रिफ्यूज टू अटेंड इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा केम इन द रूम हिज लेग व शेकिंग एंड ही वॉज पर इज अबाउट टू अटैक पाकिस्तान एट नाइन पी एम पहले सुन लीजिए क्या कहा एजाजा देखते हैं गुलबशन के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और एक दो महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा गुलब्शन को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी और अभिनंदन की क्या बात करते हैं मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए पैर काप रहे थे पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा फॉरन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि नौ बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करना है वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था कुछ नहीं होना था सिर्फ गुड ने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए तो हम काम कर सके शुक्रिया बस इसी को लेकर हमारे न्यूज चैनल इस वक्त मोदी वर्सेज राहुल गांधी और उसी में चले गए जो असली मुद्दे हैं उन पर से ध्यान एकदम हट गया मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ ये सन छियानवे या सतानवे की बात है तब कांग्रेस पावर में नहीं थी तो नजमा हैपतुल्ला उनके यहाँ हम लंच पर थे मैं और मेरी वाइफ थी और प्रणब मुखर्जी वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने एक किस्सा बताया था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन भी जॉनसन से मिली थी तब उन्होंने प्रेसिडेंट जॉनसन से कहा था दैट आस्क पाकिस्तान हैज इवन ए सिंगल बुलेट बिन फायर्ड ऑन देयर ईस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान से पता कीजिए कि जो उनका जो पूर्वी सरहद है जो जो उनकी पूरब की सरहद है माने अफ़गानिस्तान से जो लगती है क्या एक भी गोली उस तरफ चली है पाकिस्तान की पूरी फ़ौज ही भारत के लिए बनी है और फ़ौज के वहाँ रहने रहने का मतलब पूरा वजूद इसी बात पर टिका हुआ है कि हमें भारत से ख़तरा है ख़तरा हमें है हमें चीन से ख़तरा है हमारी इतनी बड़ी जो समंदर की सीमा है हमें उसका ध्यान रखना है पिछले आप देख लीजिए जब जितने भी गल्फ़ वॉर्स हुए हैं जित जहाँ जहाँ असलाह पहुँचाया गया वो समंदर के रास्ते पहुँचाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर्स गए हैं दूसरे जहाज़ गए हैं तो हमारे पास तो एक बहुत ही जेनविन असली कारण है फ़ौज रखने का पाकिस्तान के पास सिर्फ यही है कि हमें भारत से ख़तरा है और इसलिए बीच बीच में वो हमें पिन प्रिक भी करते रहते हैं जैसे नीडल या पिन चुभाते रहते हैं साथ में उन्हें खौफ भी है अंदर से अगर ये जो साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के अपोजिशन वाले जो हैं एजाज सादिक कि जनरल बाजवा की टाँगें कांप रही थी माथे पर पसीना था तो ये डर तो है क्योंकि हम बहुत बड़े हैं उनसे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि जो फ़ौज है उनकी उसका वजूद बना रहे उसकी जस्टिफिकेशन बनी रहे असली इशू ये है दोनों मुल्क ग़रीब हैं मान लीजिए कोई सुपर पावर वगैरह नहीं हम हम तो मिनी सुपर पावर कहते रहे हैं अपने आप को इलाके में मैंने पहले कहा हमारे लिए वजह है चीन के साथ हमारा इतिहास है जंग का उसके अलावा हमारी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है समुंदर की सीमा है जो बिल्कुल वहाँ गुजरात से शुरू होकर पूरा आपका ये बंगाल तक जाती है अंडमान निकोबार है नीचे तो हमारे पास तो असली वजह है कि हमारी फ़ौज हो नेवी हो एयरफोर्स हो लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का वजूद ही इसलिए है क्योंकि भारत है तो असली मुद्दा ये है लेकिन यहाँ पर फिर उसको मोदी और राहुल गांधी वगैरह इसमें यह होता ना कि आप एक उस बजाय इसके कि आप असली मुद्दे पर बात करें पूरा का पूरा विमर्श का स्तर नीचे गिरा दिया जाता है आज भी यही हो रहा है मुद्दा ये है कि अगर वो कांप रहे थे टांगे कांप रही थी उनकी पाँव कांप रहे थे माथे पर पसीना था तो इसका मतलब यही है कि मतलब उनको भी सोचना चाहिए कि पिन प्रिक्स ना दिया करें हमें वो और दूसरे यहाँ पर मतलब स्टूडियो से ही जो बैठकर जंग चलाते हैं, हैं जंग करते हैं हमारे चौबदार चैनल्स और उनके न्यूज़ एंकर्स कम से कम इसके पीछे भी जाकर देखें क्या वजूहत है ऐतिहासिक वजूहत क्या है बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि बात सामने आई हमारे कि इस वक्त वो भी वो डरे हुए थे और यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया राजनीतिक इस्तेमाल होता ही है वोट के लिए भी किया जाता है फ़ौज का इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है तो इन बातों से हटकर अगर ज़रा देखा जाए इतिहास की तरफ जाया जाए और उन बातों पर तोज्जो दी जाए जो रूट कॉज है इसका तो क्या बेहतर नहीं होगा हमारे यहाँ एक मंत्री हैं नितिन गडकरी और जो मौजूदा सरकार है उसके काबिल मंत्रियों में से एक है बाकी कितने काबिल हैं हम नहीं जानते बहुत से लोग चले गए हैं सरकार के मंत्री जो थे छोटी उम्र में चले गए चाहे वो मनोहर पारिकर हों वरुण जेटली हो सुषमा स्वराज हों अनंत कुमार हों उसके अलावा बहुत से टैलेंट जो थे प्रतिभावान लोग वो भी एक एक करके सरकार को छोड़कर जाते रहे या हालात उनके लिए ऐसे बनाए गए कि उनको छोड़कर जाना पड़ा नितिन गडकरी एक ऐसे हैं जो अपना डिस्टेंस दूरी भी बनाकर रखते हैं उनको कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होती किसी की और वो काम भी कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया और उस उस उद्घाटन में उन्होंने क्या कहा कि 12 साल लग गए इस इमारत को पूरा होने में तो नितिन गडकरी ने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि ढाई करोड़ का एक प्रोजेक्ट था दो में इसको फाइनलाइज किया गया था दो में तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसका टेंडर जो था तीन साल लगे फिर टेंडर देने में 2008 में प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिली फाइनलाइज हुआ तीन साल टेंडर देने में लगे और उसके बाद नौ साल और लगे इस इमारत को बनाने में इसी दौरान दो सरकारें आईं मतलब मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में आई उसके बाद ये प्रधान सेवक मोदी की सरकार 2014 में आई दो सरकारें आई गईं और इसके अलावा आठ चेयरमैन आए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आठ चेयरमैन आए और ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ही रही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोल रहे थे वो तो इनका कहना है कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं और जो मेंबर हैं अथॉरिटी के उनका इससे ताल्लुक नहीं है लेकिन वो महान विभूतियाँ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हु वर्क ऑन इट फ्रॉम टू 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 इफ पॉसिबल दे फोटोज शुड बी पुट अप इन द बिल्डिंग दैट दीज पीपल डिलेड डिसीजन फॉर नाइन ईयर्स तो वो तमाम विभूतियाँ जो इस 2011 से 2020 तक चाहे वो चेयरमैन रहें या दूसरे अफसर रहे अगर मुमकिन है तो उनकी फ़ोटोएँ इस बिल्डिंग में लगाई जाएँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इतनी देरी हुई इस इमारत को बनाने में

और उनका ये भी कहना है कि हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि परफॉर्मेंस बॉटल नेक्स से होते हैं कि कहाँ पर आकर रफ्तार रुक जाती है तरक्की की काम की हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं इतनी कमिटीज़ बनी हैं इतनी रिपोर्ट्स आई हैं लेकिन ये भ्रष्ट नाकाबिल और सुस्त लोग जो हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये इतने ताकतवर हैं कि ऑर्डर्स के बावजूद ये गलत फ़ैसले लेते हैं अब देखिए इतना सब कुछ बोलना बहुत कम ऐसा करते हैं तो हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर टैलेंट की कमी है मौजूदा सरकार में जो कुछ काबिल लोग थे वो चले गए जो कुछ प्रतिभावान लोग थे या तो वो खुद चले गए या हालात ऐसे थे कि वो उनको जाना पड़ा जैसे रघु राम राजन वगैरह हमारा ये मानना है कि अगर नितिन गडकरी फिनंस मिनिस्टर होते तो यकीन एक बेहतर फिनानस मिनिस्टर होते अगर नितिन गडकरी होते मैंने बोल दिया अगर अब भी हो जाए तो अभी भी तीन साल और पाँच महीने बाकी हैं सरकार के वो एक बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर साबित हो सकते हैं रोज कितने हैं शो का समापन एक कविता से एक बार फिर अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कुलदीप सलिल की एक रचना है मैं आपके सामने पेश करता हूँ अर्ज किया है कब दोपहरी हुई कब शाम पता ही न चला कब दोपहरी हुई कब शाम पता ही न चला आ गया रात का पैगाम पता ही न चला कब दोपहरी हुई कब शाम पता ही न चला आ गया रात का पैगाम पता ही न चला आंख उठाई तो उतरती थी स्याही शब की आंख उठाई तो उतरती थी स्याही शब की पड़े हैं इतने अभी काम पता ही न चला पड़े हैं इतने अभी काम पता ही न चला जिंदगी भर के मिला काम का हमको ये सिला ज़िंदगी भर के मिले का ज़िंदगी भर के मिला काम का ज़िंदगी भर का जो काम जो हमारा था ज़िंदगी भर के मिला काम का हमको ये सिला कट गया हर कहीं से नाम पता ही न चला कट गया हर कहीं से नाम पता ही न चला लज्जते याद हैं आगाज़ मोहब्बत की अभी लज्ज़तें याद हैं आगाज़ मोहब्बत की अभी और आ भी गया अंजाम पता ही न चला और आ भी गया अंजाम पता ही न चला लोग तकने लगे उठ उठ के गली में मुझको लोग तकने लगे उठ उठ के गली में मुझको कब हुआ राज मेरा आम पता ही न चला कब हुआ राज मेरा आम पता ही न चला सुनोगे आवाज सुनो आवाज समय की सुनो आवाज समय की सुनो आवाज समय की कहोगे वरना सलिल दे गया किस लिए इल्ज़ाम पता ही न चला सुनो आवाज समय की कहोगे वरना सलिल दे गया किस लिए इल्ज़ाम पता ही न चला कब दोपहरी हुई कब शाम पता ही न चला आ गया रात का पैगाम पता ही न चला नमस्कार अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर एंड्रॉइड या आईओएस एस प्लेटफॉर्म पर जाइए एच डब्ल्यू न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए